नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है उनको ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा। ICDS विभाग ने एक पत्र भी जारी किया था और उसमें जो भी सारी जानकारी थी उसमें आपको मैंने बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे करना है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे BBOAC ICDS लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आपको बता दूँ BBOAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिहार बोर्ड ओपन स्कूल एग्जामिनेशन, इसी के तहत आप लोग को ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा। तो नीचे में देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर आंगनबाड़ी सहायिका एंड सेविका अंडर ICDS गवर्नमेंट ऑफ बिहार एडमिशन फॉर्म सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ECC डिप्लोमा एंड ECCE सर्टिफिकेट कोर्स अंडर स्पेशल स्कीम। तो यहाँ पे आपको जो भी कोर्स कराया जाएगा वो एक स्पेशल स्कीम के तहत आप लोग को सारी कोर्स कराई जाएगी। तो सेकेंडरी का मतलब होगा जैसे कि आप लोग मैट्रिक बोलते हैं सेकेंडरी में, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी हो गया, इंटर को सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, ECC डिप्लोमा और ECC सर्टिफिकेट। जो लोग 12th कर चुके हैं उनके लिए ECC डिप्लोमा और ECC सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए इसके ऑनलाइन एडमिशन के बारे में आपको आगे पूरी जानकारी बताते हैं। तो देख सकते हैं ये PDF फॉर्म है जो कि ऑफिशियली PDF फॉर्म है, क्या है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी भरना है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लॉगिन पेज का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप लोगों का एडमिशन होगा उसके बाद आप लोगों को ऑफिस की तरफ से ACC कोड और पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद ही आप लोग को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाएगा। डैशबोर्ड में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू एडमिशन, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। तो इसमें डैशबोर्ड में ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन फॉर्म दिखेगा। एडमिशन फॉर्म देखने के बाद यहाँ पे न्यू एडमिशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे किस लैंग्वेज में आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोग इंग्लिश में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, और अगर हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका फॉर्म, जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम आपको चुनना है, यानी कि आपको कौन से कोर्स करना है। यहाँ पे चार कोर्स अवेलेबल है, जैसे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ECCE डिप्लोमा ECCE सर्टिफिकेट। यहाँ पे सेकेंडरी का ऑप्शन दिया गया, जो सहायिका आठवीं तक पढ़ाई की है उनको यहाँ पे सेकेंडरी का कोर्स कराया जाएगा, यानी कि मैट्रिक करने के लिए यहाँ पे कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन है, तो सीनियर सेकेंडरी में 12th का ऑप्शन है, तो जो यहाँ पे सहायिका 10th कर चुकी हैं, 10th तक पढ़ाई कर चुकी हैं, उनको यहाँ पे 12th के लिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में उनका कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे तीसरा नंबर पे ECCE डिप्लोमा, तो ECCE डिप्लोमा उन सेविकाओं को कराया जाएगा जो लोग 12th तक पढ़ाई कर रही हैं, उनको यहाँ पे ECCE डिप्लोमा के लिए कोर्स कराया जाएगा। और लास्ट में ECCE सर्टिफिकेट, तो ECCE सर्टिफिकेट उन सेविकाओं को कराया जाएगा जो सेविका 12th के आगे तक पढ़ाई की है, यानी कि जैसे BA किए हैं, BA MA और उसके ऊपर जो भी आगे के पढ़ाई की हैं उनको यहाँ पे ECCE सर्टिफिकेट के लिए कोर्स कराया जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सारी जानकारी समझा दिया है। उसके बाद चलते हैं आप नीचे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी 10th, तो 10th के लिए तो यहाँ पे आप लोगों को सहायिकाओं का एडमिशन होगा, जैसे कि 8वीं तक पढ़ी हैं उनको यहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा। तो एडमिशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी जानकारी आपको इसमें भरने हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स या हस्बैंड नेम आपको डालना है। उसके बाद डेजिग्नेशन में आपको अपने पद का यहाँ पे भरना है, सहायिका है तो सहायिका का पद के लिए आवेदन करना है। उसके बाद आपको यूनिकोड डालना है, CDPO ऑफिस का नाम डालना है, एड्रेस यहाँ पे डालना है,
उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को आधार नंबर सही सही भरना है, ईमेल आईडी सही सही भरना है और मोबाइल नंबर भी सही सही भरना है। तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको आप लोग सही तरीके से भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आप लोग को डाल देना है, पोस्ट ऑफिस डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट में आता है, टेंथ में आप लोग को जो भी सब्जेक्ट लेना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं मैट्रिक में उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे CDPO ऑफिस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से जो आपको कोर्स कराया जाएगा उसका यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, यानी कि किताबें वगैरह आपको CDPO ऑफिस की तरफ से मिलेगी, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक घोषणा पत्र है कि मैं घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण, तथ्य, अभिलेख, प्रमाण पत्र मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में सही एवं सत्य है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी भरना है एकदम सत्य भरना है, और हो सके तो उसे ये फॉर्म फिल ना करें, आपको CDPO ऑफिस की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आप लोग वो सारे डॉक्यूमेंट्स CDPO ऑफिस में उपलब्ध करा दीजिएगा, आप लोग का वहीं से एडमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी 12th के लिए यहाँ पे सेविका का जो मैट्रिक कर चुकी हैं उनको यहाँ पे 12th के लिए यहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा। तो इसमें भी सारी जानकारी सेम ही है, और इसमें मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया था, देख सकते हैं इसमें दिया गया है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आप लोगों को भरना है कि आप लोगों ने कितना पढ़ाई किया है, 8वीं 10वीं इंटर जो भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है उसको यहाँ पर डाल देना है। भरने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड अपलोड इमेज पेज। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को क्या करना है कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो साथ में आप लोग को एक फ़ोटो भेजना है, और फ़ोटो भेजेंगे तो आप लोग का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग इसके बाद से आप लोग स्टूडेंट बोली जाएंगी जितने भी सेविका सहायिका हैं, क्योंकि वो लोग अब पढ़ाई की तैयारी कर रही हैं, तो स्टूडेंट ही बोले जाएंगे आप लोग। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग अपने रिकॉर्ड को यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। सर्च यूजिंग मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर, आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार नंबर से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में आप लोग को चेंज लॉगिन पासवर्ड पेज का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग को यहाँ से आप लोग अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग अपना खुद का पासवर्ड बना के आप लोग पासवर्ड को भी यहां से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी सारी जानकारी थी मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।